रेडियो सुनकर हम 21वीं सदी में हैं, जहां हम हर दिन प्रतिदिन कई टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हैं। किसी से बात करने के लिए मोबाइल है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंटरनेट है, खाना मंगवाने के लिए फूड डिलीवरी ऐप है, मनोरंजन के लिए स्मार्ट टेलीविजन है। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली कि मनुष्य ने जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज का आविष्कार कर लिया, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए आज भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है और ना ही कभी बनेगी। कल भी जिंदगी बदलने के लिए मेहनत का सहारा लिया जाता था और आज भी जिंदगी बदलने के लिए मेहनत का ही सहारा लिया जाता है। थैंक यू। वेलकम। देखो सर, जो लोग अक्सर कहते हैं कि भूलने की बीमारी अच्छी नहीं होती है। देवी और सज्जनों, ये सालों पुरानी कहानी है। जिसने भी कुछ अलग करने की ठानी है, उसके हौसलों का दीपक बुझाया गया, उसे तानों के अंधेरों में सुलाया गया है। लेकिन तू कुछ नया करने से झिझक नहीं, तू अपने भरोसे से भटक नहीं। सपनों के सफर में मुश्किलें लाख आएंगी, असफलता की आंधी तुझे छल्ली कर जाएंगी, लेकिन तू अपनी हार को पथ का कील समझ। पूरी सड़क नहीं तो अपने भरोसे से भटक नहीं, तो अपने भरोसे से भटक नहीं। देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, आपने कभी सोचा है कि सपने और लक्ष्य में क्या अंतर होता है? सपने वो होते हैं जो हम देखते हैं, और लक्ष्य वो होता है जिसकी ओर हम कदम बढ़ाते हैं। सपने हमारे अंदर उम्मीद जगाते हैं और लक्ष्य हमारे अंदर जुनून पैदा करता है। सालों पहले आजाद भारत का सपना करोड़ों भारतीयों ने देखा था, लेकिन आजादी हमें केवल सपना देखने से नहीं मिली। आजादी हमें तब मिली जब देश के स्वतंत्रता सेनानी आजादी के लक्ष्य की ओर बढ़े और भारत को आजादी दिलाकर ही माने। कल दो महापुरुष, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस था। देश को आजाद करने का, उनके सपनों की उम्मीद और उनके लक्ष्य के जुनून का परिणाम यह हुआ कि आज पूरा देश एक आजाद वातावरण में सांस लेता है। आभार शब्द जो है वे बहुत ही निम्न, बहुत ही छोटा लगता है। आज हम उन दोनों महापुरुष और उनके सामने नतमस्तक हैं। आज मैं अपनों का प्यार ना पा सका, समझना इस भीड़ में किसी को अपना ना बना सका, सहकर भी ये सब नहीं मैं पीछे जाऊंगा, अपनी मेहनत से अपनी मंजिल को पाऊंगा, यकीन मानो आप सबके दिलों में बसे। जब अभी मेरा केबीसी के अंदर सर सिलेक्शन हुआ, तो उस टाइम पे मैं बैंक में गया, तो सर मतलब उनको यकीन ही नहीं हुआ कि एक मजदूर है, इसका मतलब केबीसी जैसे मंच के ऊपर जा ही नहीं सकता। सर आप अपनी काबिलियत की वजह से आज आप इसको सफल हो। सर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं जीत के जाऊँ, और जहाँ पे लोग मुझे कहते थे कि यार मजदूर का बेटा मजदूरी करेगा, मैं वहाँ पे जाके अपनी खुद की शॉप खोलूँ। सर मजदूर का बेटा मालिक बन सकता है। जी सर। वाह क्या बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर।